एजुकेशन न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विष्णु स्वरूप। कोसी तेरे प्यार को क्या समझेगा बिहार, युग युग का अभिशाप कहें या शासन की हार। किसने किशोर की यह पंक्तियां आपको शासन के बारे में कहती है, आपको बताती है कि कोसी की त्रासदी कितनी बड़ी त्रासदी है। लेकिन इस त्रासदी के बाद भी सृजन की कहानी का जन्म होता है। मेरा तात्पर्य यह है कि कोसी के बाढ़ के उतराई के साथ ही जब लोग अपने टूटे घरों को लौटते हैं और सोन चिड़िया की मधुर आवाज शाम में जब उन घरों से उठती है तो यह एहसास दिलाता है कि सृजन का काल शुरू है। सृजन जो कभी रुकता नहीं है और पढ़ने के बाद बहुत भारी हो जाता है। इसी सृजन का एक चरण है साहित्य। साहित्य की सृजन भी कोसी के इन कछारों पर बखूबी हुआ करती रही है। 16वीं शताब्दी से ही चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज राशो के रचयिता चंद्र बरदाई के वंशजों का बिहार में आगमन और मिथिला नरेशों के साथ राज्याश्रित होकर जो काव्य रचनाएं की, वह काव्य दर्शनी में आज भी मौजूद है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। साथ ही साथ भगवान का दर्जा जिन्हें मिला वो कोसी के कछार बनगांव में रहने वाले परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई का भी है, जिनका जन्म स्थान परसरमा कहा जाता है और भक्ति की कविताओं में उनका नाम आज भी लिया जाता है, उन्हें भगवान का भी दर्जा प्राप्त है। उसी तरह सूफी संतों की जब बात करते हैं और सूफी साहित्य की भी बात करते हैं तो वहाँ भी विद्याधर की रचना शेख किफायत की आज भी लोगों के जहन में अभी भी उत्तत है, उस पर चर्चाएं होती है और गांव के कवियों के द्वारा इसे गाया भी जाता है। दोस्तों, साहित्य के इस बदलते क्रम में जब हम आज की बात करते हैं तो नवांकुर साहित्यकारों का भी एक दल, एक फौज बिल्कुल खड़ा हो रहा है। इनमें कई नाम हैं, कई ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो गांव, देहात और टोले मोहल्ला से प्रसिद्धि पाते हुए अपनी किताबों को एक आयाम दिया, उसे एक रेखा चित्र बनाकर समाज के सामने में प्रस्तुत किया, जो आज एक उदाहरण है। हमारी इस कड़ी में आज हम चार कवियों का जिक्र करने वाले हैं, जिसमें सुपौल के अरविंद ठाकुर, मधेपुरा के अरविंद श्रीवास्तव, सुपौल के मिथिलेश राय और अररिया की रीना झा। वर्तमान समय में साहित्य के नव कपूलों के वृंद बहुत हैं, जिनकी लेखनी स्वयं में वर्तमान परिवेश और साहित्य के सृजन पर एक हस्ताक्षर है। आज इस कड़ी में हम कोसी के चार कवियों का जिक्र कर रहे हैं, अरविंद ठाकुर, अरविंद श्रीवास्तव, मिथिलेश राय और रीना झा। अरविंद ठाकुर एक लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार एवं साहित्यकार हैं, जिनकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में इनका निवास सुपौल जिला है, हिंदी और मैथिली दोनों में समान पकड़ रखते हैं। मेरी हथेली पर धान का एक दाना है, मेरी हथेली पर धान का एक दाना है, सामने दूर तक फैली खेती की जमीन और मैं खुश हूं कि मुझे कहीं नहीं जाना है। प्रेम, हम एक दूसरे की तरफ देखेंगे और दोनों के समंदर एक दूसरे में उलझ जाएंगे, हम मुस्कुराएंगे और उपवनों के बीच की मेल लुप्त हो जाएगी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से युवा शिक्षक, साहित्यकार और पत्रकार मिथिलेश राय साहित्य में एक जाना माना चेहरा बन चुका है। इनकी एक कहानी पर द इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट नाम की फिल्म भी बनाई गई है। वर्तमान में मिथिलेश राय सुपौल के छातापुर में रहते हैं। मालिक यह कभी नहीं पूछा कि कहो भैया क्या हाल, तुम कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या घर भेजते हो, अपने परिजनों से दूर इतने दिनों तक कैसे। मालिक हमेशा यही पूछा कि कितना काम हुआ और अब तक इतना काम ही क्यों हुआ। अरविंद श्रीवास्तव मधेपुरा के जाने माने साहित्यकार हैं और साहित्य जगत में कई बार अपनी रचनाओं के कारण पुरस्कृत हुए हैं। इनकी रचनाओं में कभी छायावाद तो कभी निश्चल अफलक प्रेम का बखूबी से अध्ययन किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अरविंद श्रीवास्तव का पर्दा, बेहद खूबसूरत था वह पर्दा जिसके पीछे चलती थी साजिश हत्या की। यहाँ सहचरों को चुन चुन के मारा जाता था,
कोई ढूंढ रहा था व्याग्रा, कोई फांक रहा था अश्वगंधा, पूरी की पूरी जन्नत कब्जियाना चाहता था हर कोई। किसी ने आंखों पर पर्दा डाल रखा था तो किसी ने दिमाग पर। ये वही शख्स थे जो किसी पर्दाधारी के विरोध में प्रथम पंक्ति के प्रवक्ता माने जाते थे। इसी तरह पेशे से शिक्षिका रीना झा अररिया में अभी अपनी सेवाएं दे रही है और फेसबुक को माध्यम बनाकर अपनी कविता लोगों तक पहुंचाई। शीघ्र ही उसका प्रथम कविता संग्रह पुस्तक के रूप में लोगों के बीच पहुंचेगा। उसकी कविता अनकही कुछ इस तरह कहती हैं बहुत कुछ। कुछ अनकही सी बातों की पीड़ दबाए रखती हूँ, आंखों के अश्रु दृंग को पलकों में छिपाए रखती हूँ, टूटी हुई ख्वाहिशों को सपने में संजोए रखती हूँ, बिखरी हुई भावनाओं को आंचल में समेटे रखती हूँ। कुछ अनकही सी बातों की पीड़ दबाए रखती हूँ, अनसुलझे से रिश्तों को अपना सा बनाए रखती हूँ। दोस्तों, साहित्य के इस प्रथम श्रृंखला में बस इतना ही। आप बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़।